हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बोलाइन ऑन द बाइट नॉट, जो कि डबल लूप, एक एंकर नॉट है और एक डबल लूप इसमें बनते हैं। और उसके लिए हमको रोप को इस तरह से डबल करना है। डबल करने के बाद इसमें एक जगह पर एक सिंपल एक लूप क्रिएट करना है इस तरह से। ये जो एंड है इसको हम यहाँ से मोड़ेंगे और उसके बाद इसको इसके अंदर लेंगे, इसके अंदर इस तरह से। फिर जो ये लूप है इसको पूरा उठा के इन दोनों के पार कराना है और इसको उठा के यहाँ तक ले आना है और इसको इस तरह से कस देंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको एक नॉट का, अगर एक नॉट के ऊपर में दो या तीन लूप हैं या चार लूप हैं, तो अलग अलग चार एक्टिविटी के लिए या तीन एक्टिविटी के लिए उस रोप को, उस नॉट को यूज़ नहीं करना है। सारे के सारे लूप को एक ही एक्टिविटी के लिए एक टाइम पे यूज़ करना है। ये भी एक एंकर नॉट की तरह से यूज़ की जाती है। तो ये फिगर ऑफ एट पे एंकर है और ये बोलाइन ऑन बाइट पे एंकर है। कौन ज़्यादा मजबूत है? जाहिर है इसमें दो रोप हैं, इसमें डबल स्ट्रेंथ है और ये सिंगल रोप है, इसमें सिंगल स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से अगर हमें हैवी ड्यूटी बेस बनाना है तो डबल लूप, ट्रिपल लूप को ही ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए हमें। फिगर ऑफ एट भी डबल लूप, टेट्रा लूप तक या उससे ज़्यादा भी लूप भी बनाए जा सकते हैं, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड, कितना हैवी काम हम करने जा रहे हैं, कितने लोगों को उस रैपलिंग या क्लाइंबिंग स्टेशन पे अगले कुछ घंटों में क्लाइंबिंग या कुछ करनी है नॉन स्टॉप, उसके हिसाब से हम इस लूप को बढ़ाना चाहिए, लूप की संख्या को।